भारत में 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 3.5% लोग ऐसे हैं जो कि स्टॉक में निवेश करते हैं, यानी कि लगभग 5 करोड़ लोग। वहीं पर अगर मैं आप सभी को चाइना के बारे में बताऊं तो चाइना में लगभग 12.5% लोग स्टॉक में निवेश करते हैं और यूएस में लगभग 55% लोग स्टॉक में निवेश करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, भारत में अब लोग धीरे धीरे स्टॉक में निवेश करना शुरू कर रहे हैं और एक आंकड़ा ये भी कहता है कि वित्तीय वर्ष 2021 में भारत में लगभग 5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स ये खोले गए थे, भले ही वो ट्रेडिंग करें या फिर ना करें। और एक आंकड़ा ये भी कहता है कि हम 5 या फिर 10 सालों के अंदर ही अंदर चाइना को स्टॉक इन्वेस्टमेंट में पीछे छोड़ने वाले हैं। एक समय था जब हम कंप्यूटर के आगे, सिस्टम के आगे बैठकर एक ही जगह से ट्रेडिंग करते थे, लेकिन आज देखिए हर किसी के पास स्मार्टफोन है और बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जिनकी मदद से हम जहां पे भी होते हैं वहां से बहुत ही आसानी से ट्रेडिंग कर पाते हैं। तो आज मैं आप सभी को 3 बहुत ही बेहतरीन टॉप ट्रेडिंग एप्लीकेशंस बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, साथ ही साथ आप इनसे बहुत फायदा भी उठा सकते हो। जी हां दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, 2 अकाउंट्स होते हैं, एक है डीमैट अकाउंट और एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट किसे कहा जाता है? जब आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो आपका स्टॉक जहाँ पर डिपॉजिट होता है उसे डीमैट अकाउंट कहा जाता है। भारत में 2 डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, एक है NSDL और एक होता है CDSL। अब नॉर्मली जब भी आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाकर आपका अकाउंट खोलते हो तो आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ खोला जाता है, जिनके लिए आप कुछ फी भी पे करते हो। अब मैं आप सभी को यही सलाह दूंगा कि आप एक ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाकर डीमैट अकाउंट खोले, अलग अलग जगह पर जाकर डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको एनुअल फी भी देनी पड़ती है। तो ट्राई करें एक ही जगह पर डीमैट अकाउंट खोले। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग एप्लीकेशन को सिर्फ रेफर एंड अर्न के लिए इस्तेमाल करते हैं। काफी सारी ऐसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जो रेफर करने पर आपको बहुत सारे पैसे देती है, 200 रुपया 300 रुपया 500 रुपया तक ये देती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग नहीं करते हैं, सिर्फ रेफर करते रहते हैं। देखिए, ये हर किसी के लिए नहीं होता है। अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल है, अगर आपके अंदर ये क्षमता है कि आप अपने अंडर बहुत सारे लोगों को ला सकते हो, आप उस एप्लीकेशन के जरिए अलग अलग लोगों का अकाउंट खुलवा सकते हो, अगर ये स्किल आपके पास है तभी आप रेफर एंड अर्न कीजिए। वरना बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देते हैं, पैसे देकर डीमैट अकाउंट खुलवा देते हैं, उसके बाद ये रेफर भी नहीं कर पाते हैं और ट्रेडिंग भी नहीं करते हैं, तो एनुअल मेंटेनेंस फी इनको देनी होती है। तो सिर्फ रेफर एंड अर्न के लिए आप ट्रेडिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हो साथ ही साथ रेफर एंड अर्न से अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तभी आप इन एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अब मैं आप सभी को 2 ऐसे टर्म्स बताऊंगा जिनको कि आपको याद रखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं हमेशा इनका जिक्र करने वाला हूं। एक होता है इक्विटी इंट्राडे और एक होता है इक्विटी डिलीवरी। इक्विटी इंट्राडे किसे कहा जाता है? अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हो और उसी दिन यानी कि सेम डे पर अगर आप उसे बेच देते हो, इसे कहा जाता है इक्विटी इंट्राडे। इक्विटी डिलीवरी किसे कहा जाता है? अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हो और उसके बाद कम से कम एक दिन उसे होल्ड करते हो और एक दिन के बाद अगर आप उसे बेचते हो, उसे कहा जाता है इक्विटी डिलीवरी। अब हर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की पॉलिसी कुछ महीने बाद ये बदलती रहती है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो इस वीडियो में इस समय पर जो पॉलिसी है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आप इनका फायदा उठा सकते हो। और जो भी मैं रैंकिंग दे रहा हूँ मेरे हिसाब से दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये वैसी लगती हैं। नंबर 1 पर मैं रखता हूँ ग्रो एप्लीकेशन को। नंबर 1 पर क्यों रखता हूं? क्योंकि जैसे ही मैंने आप सभी को कहा है कि किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जब आप अकाउंट खोलते हो, डीमैट अकाउंट खोलते हो, तो आपको कुछ ना कुछ फी देनी पड़ती है, लेकिन ग्रो ऐप में आपको 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग के लिए। ये इसका सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको मंथली या फिर एनुअल मेंटेनेंस फी भी नहीं देनी पड़ेगी। 0 रुपीज में आप यहां पे अकाउंट खोल सकते हो और मंथली फीस भी आपको देनी नहीं पड़ेगी। तीसरा बेनिफिट क्या है? आप रेफर एंड अर्न से पैसे कमा सकते हो। रेफर एंड अर्न से कैसे पैसे कमा सकते हो? जब आप यहां पर अपना अकाउंट खोलते हो उसके बाद अगर आप किसी भी दोस्त को रेफर करते हो तो बदले में आपके दोस्त को 100 रुपया मिलेंगे, साथ ही साथ आपको 100 रुपया मिलेंगे। तो ये 100 रुपया जो है आप अपने बैंक अकाउंट में सीधे सीधे ट्रांसफर कर सकते हो। ग्रो ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहां पर जाकर अगर आप अपना अकाउंट खोलते हो तो आपको सीधे सीधे 100 रुपया मिलेंगे जो डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद आप उस एप्लीकेशन के जरिए ट्रेडिंग कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी रेफर
कर सकते हो, बदले में आपको 100 रुपए मिलते रहेंगे। अब ब्रोकरेज फी के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप इक्विटी डिलीवरी करते हो तो आपको 1 भी रुपया देना नहीं पड़ेगा ब्रोकरेज फी में, 1 भी रुपया आपको देना नहीं पड़ेगा। बट अगर आप इंट्राडे इक्विटी करते हो तो उस समय पर ऑर्डर, यानी कि जब आप स्टॉक को खरीदते हो और बेचते हो, दोनों समय पर आपको 0.05% पर ऑर्डर या फिर 20 रुपया, जो भी कम है, आपको ये पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको और कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। लेकिन मैं आप सभी को यह भी बताना चाहता हूं, कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप करें, हर किसी में कुछ ना कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, हर किसी में होते हैं। और वो हिडन चार्जेस क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे एसटीटी चार्ज हो, जीएसटी चार्ज हो, सेबी टर्नओवर फी हो, हर एक स्टेट की एक स्टाम्प ड्यूटी होती है, ट्रांजेक्शन एक्सचेंज रेट भी होता है, ये सब फीस होती है जो आपको हिडन चार्जेस के अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर आप जानना चाहते हो कि ग्रो ऐप में टोटल ब्रोकरेज फी कितनी है तो आप डायरेक्टली उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जान सकते हो। 1 ही सेकंड लगेगा, ब्रोकरेज कैलकुलेटर होगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां पर जाना। उसके बाद बाइंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी है, वहां पर डाल देना, तो टोटल नेट प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा और ब्रोकरेज फी भी कितनी है आप जान सकते हो, साइट पे ही आप देख सकते हो। दूसरे नंबर पर मैं रखता हूं अपस्टॉक्स को। अपस्टॉक्स को दूसरे नंबर पर मैं क्यों रखता हूँ, क्योंकि रेफर एंड अर्न से आप इससे बहुत पैसे कमा सकते हो। मतलब अगर आप एक दोस्त को रेफर करोगे तो आपके पास 500 रुपये आ जाएंगे। इस समय पर 500 रुपये चल रहा है, आने वाले समय पर ये बढ़ सकता है, घट सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। लेकिन अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस सही तरीके से पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि आप अपने ब्लड रिलेशन, फैमिली रिलेशन में रेफर नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप डीमैट अकाउंट अपस्टॉक्स में खोल दोगे, अपने पापा को, मम्मी को या फिर अपने भाई बहनों को बोलोगे पर रेफर करके पैसे कमाओगे, नहीं, आप अपने ब्लड रिलेशन से रेफर करके पैसे नहीं कमा सकते हो। आप अपने दोस्तों को रेफर कर सकते हो या अलग अलग लोगों को रेफर कर सकते हो, यहां से पर रेफर आपको 500 रुपये मिलेंगे। पर अपस्टॉक में आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको 199 प्लस 18% GST लगेगा, उसके बाद ही आप यहां पर अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन अगर आप रेफर करते रहोगे तो आपको पैसे जनरेट होते रहेंगे, साथ ही साथ आप ट्रेडिंग भी करते रहोगे। और आपको एनुअल मेंटेनेंस फी के बारे में बता देता हूं, तो इसकी जो एनुअल मेंटेनेंस फी है ये 300 प्लस 18% GST है। अपस्टॉक्स की ब्रोकरेज फी भी एग्जैक्टली ग्रो एप्लीकेशन की तरह ही है, यानी कि अगर आप इक्विटी डिलीवरी करते हो तो आपको 1 भी रुपया ब्रोकरेज फी में नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे इक्विटी करते हो तो उस समय पर 0.05% पर ऑर्डर, यानी कि जब आप बाई करते हो और सेल करते हो तो उसका 0.05% या फिर 20 रुपीज, जो कम है, आपको ब्रोकरेज फी देनी पड़ेगी। यानी कि मैक्सिमम आप जितना भी निवेश करें आपको 20 रुपया ही देना पड़ेगा पर ऑर्डर। तीसरे नंबर पर मैं रखता हूं जीरोदा को, क्योंकि जीरोदा से अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहोगे इस समय पर तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग के लिए। जीरोदा में भी रेफर एंड अर्न की मदद से आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। अगर आप जीरोदा की मदद से किसी भी दोस्त को रेफर करते हो और अगर वो वहां पर अकाउंट खोलते हैं तो बदले में आपको 300 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। रिवार्ड पॉइंट्स पैसे नहीं होते हैं, बल्कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी मदद से जीरोदा में बहुत सारे ऐसे पेड कोर्सेस से इन्हें आप खरीद सकते हो। लेकिन जीरोदा की मदद से आपके अंडर, यानी कि आपने जितने लोगों को रेफर किया होगा उनकी जितनी भी ब्रोकरेज फी है उसका 10% आपको हमेशा लाइफ टाइम मिलता रहेगा। तो यही फिलहाल मेरे हिसाब से इस समय पर Top 3 ट्रेडिंग एप्लीकेशन से, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, वहाँ पर जाकर आप किसी भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अकाउंट ओपन कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप सभी के सामने लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।